हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पनीर की बहुत ही टेस्टी कटलेट लेकर आई हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने ग्रेटेड कर लिया है। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का कैप्सिकम लिया है, एक छोटे साइज की मैंने यहाँ पर प्याज भी ले ली है। धनिया पत्ता डाल देंगे, आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ यहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ मसाले डाल देते हैं, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसे बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चावल का आटा लिया है। आप यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स कर देंगे। इसे बाइंड करने के लिए हम आलू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि इतने में ही आपका बाइंड हो रहा है डो, तो आप पनीर के साथ ही बाइंड कर लीजिए, नहीं तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो इसमें केवल 1-2 टेबल स्पून ही पानी जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। ये देखिए अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है ये, तो अच्छी तरह से हम इसका एक डो बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनता है। थोड़ा सा तेल लगा लिया हमने हाथों में और इसकी टिक्की बना लेंगे। अब यहाँ से आप अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। मैंने गोल टिक्कियों का शेप दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं। सारी टिक्कियाँ हमने बना ली हैं, इन्हें हम सेल्फ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे हम इसके ऊपर। आप यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इन्हें सेल्फ फ्राई ही कर रही हूँ। तो बस अब हम इसमें टिक्कियाँ रख देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और गोल्डन क्रिस्प होने तक हम इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी से बनने वाला स्नैक्स है। इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ, अपने मनपसंद मसाले भी डाल सकते हैं। तो एक साइड से देखिए हल्का सा हो गया है ये, हमने ऑयल हल्का सा लगा दिया था, बहुत ही अच्छा कलर आया है ये देखिए। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से गोल्डन और क्रिस्प होने तक इन्हें सेक लेते हैं, और 1-1.5 मिनट लगता है इनको फ्राई होने में, सेकने में। तो इस तरह से सेल्फ फ्राई करके आप इन्हें बहुत ही ईजिली बना सकते हैं देखिए। और ये बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा अच्छी क्वान्टिटी में डाला है। तो दूसरे साइड से भी इसे अच्छी तरह से सेक लेने देते हैं। तो दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं ये देखिए। तो आप इसे मनचाही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी लाजवाब पनीर की कटलेट। इन्हें ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल बटन दबाना ना भूलें।